फिर से जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सुबह उठते ही पूरे घर में छिड़क दे बस एक लोटा पानी, 90 सेकंड में देखेंगे आप चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको केवल इतना साधारण सा उपाय बताएंगे जिसमें केवल आपको एक लोटा पानी छिड़कना है अपने पूरे घर में और आप केवल 90 सेकंड के अंदर ही चमत्कार अपनी आंखों से देख पाएंगे। दोस्तों हमारे देश में बहुत से लोग अपनी दरिद्रता को भगाने के लिए और धन धान्य को अपने घर लाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। तो दोस्तों इसी संदर्भ में आज पेश है पानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन पानी के उपायों को करने के लिए आपको सबसे खास बात यह है कि आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप पानी के उपाय घर में मौजूद पानी से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं। बजरंग बली का नाम लेते हुए कमेंट में जल्दी से लिख डालिए जय बजरंग बली। दोस्तों जिस पात्र से यानी जिस मटके से आदि से आपके घर में सभी लोग पानी पीते हैं उसमें से आपको एक लोटा पानी ले लेना है। दोस्तों आपको एक बात बतानी रह गई कि यह सभी उपाय आप अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के स्नान ध्यान आदि करके पूरी तरह से स्वच्छ होकर उसके बाद ही करेंगे। और दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको जब तक ये उपाय पूरा ना हो तब तक के आपको कुछ भी खाना नहीं है। यदि आप बहुत ही बुजुर्ग हैं या फिर आप कोई दवाई वगैरह खाते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपके लिए भूखा रहना संभव नहीं है तो ऐसे में आप खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको आंख बंद करके भगवान से और अपने इष्ट देव से हाथ जोड़ करके अपने इस गलती के लिए, इस मजबूरी के लिए माफी मांगने आवश्यक है। दोस्तों वैसे तो यह बहुत ही छोटी सी क्रिया है, केवल 2 मिनट का कार्य है, 2 मिनट का अचूक उपाय टोटका है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी मरीज हो या कुछ भी परेशानी में हो वह भूखा रह सकता है और यह कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है इस उपाय को सुनने के बाद कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप करिए, परंतु माफी अवश्य मांग ले भगवान से। दोस्तों आप नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले और अब इस लोटे में कुछ बूंदे या फिर गिनती की 5 बूंदे तो कम से कम आप इसमें गंगा जल की मिला लें। यह क्रिया भी दोस्तों आपको किसी विशेष ध्यान में रखते हुए करनी है। जिस लोटे में आप पीने वाला या साफ सुथरा पानी लेने वाले हैं उस लोटे में पहले आप थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसके अंदर साफ सुथरा पानी डालें, यानी उस लोटे को फिर भरें, पहले गंगा जल उसके बाद साफ सुथरा पानी। दोस्तों अब आपके इस लोटे का जल पूरी तरह से गंगा जल बन चुका है। यह जो क्रिया हमने अभी की, पहले गंगा जल डाला उसके बाद हमने उसमें साफ सुथरा पानी डाला, इस क्रिया से वह पूरा जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। और अब दोस्तों आपको यह जल लोटे में से अपने पूरे घर में छिड़क देना है। छिड़कते हुए दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि छिड़का हुआ जल दीवारों पर और छत पर छिड़का जाए, यह जल सीधा सीधा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों अब इस जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है, फिर चाहे वो आपका रसोई घर हो, आपका चाहे वो शयन कक्ष हो या फिर आपका स्टोर रूम हो, चबूतरा हो, छत हो, गैलरी हो, माउंटेन हो, सीढ़िया हो या कुछ भी हो, केवल बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ करके आपको अपने हर जगह पर इस जल को छिड़कना होगा। दोस्तों इस जल को छिड़कने के साथ साथ आपको एक छोटे से मंत्र का जाप भी करना है। मन जल छिड़कते जाएं और मंत्र का मन ही मन जाप करते जाएं। मंत्र है दोस्तों ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। इस मंत्र में दोस्तों ओम की आवाज को थोड़ा लंबा खींचते हुए फिर आपको उच्चारण करना है, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। इस प्रकार से दोस्तों मन ही मन इस मंत्र का आपको स्मरण करना है और जल को छिड़कते रहना है। ध्यान रहे कि जल सीधा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, पहले दीवारों पर या छत पर गिरे, उसके बाद जमीन पर गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। खासकर से दोस्तों आपको इसे अपने पूजा घर में और अपने शयन कक्ष में और रसोई घर में अवश्य ही छिड़कना है। वैसे आपको ये पूरे घर में छिड़कना आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ अपने बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ करके। दोस्तों इस क्रिया को करते हुए आपको एक बात का और ध्यान देना होगा कि आप अपने चप्पल जूते पहले ही अलग खोल देंगे, अलग उतार देंगे, उसके बाद उनसे हाथ नहीं लगाएंगे।
यदि लग जाए तो पहले आप अपने हाथ साफ करेंगे, उसके बाद आप इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता रानी या फिर जय बजरंगबली आपको जरूर लिखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको माता रानी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, ऐसा हम आपसे कह रहे हैं। और करना ना करना आपके अपने हाथ में है, यह सब कुछ फ्री है। अब दोस्तों आगे बताते हैं आपको, और इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि इस समय आपके घर में कोई भी व्यक्ति निंद्रा ना ले रहा हो, यानी सो ना रहा हो। जब भी आप यह क्रिया करेंगे उस समय सभी घर के सदस्य जागे हुए अवस्था में हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठे हो, बेड पर लेटे हो या फिर किसी प्रकार से हो, लेकिन वह जागी हुई अवस्था में ही होने चाहिए। दोस्तों यह इतना अचूक उपाय है कि इस उपाय को करने के तुरंत बाद से ही आपके घर से दरिद्रता दूर भागने लगती है और लक्ष्मी माता हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में निवास करने लगती है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, हर चीज साफ सुथरी होगी, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, समय से उठेंगे और समय से अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्नान ध्यान आदि करेंगे तो भी दोस्तों लक्ष्मी माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी धन धान्य आदि का आशीर्वाद आपको देती है। दोस्तों अंत में हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो पानी से जुड़े हुए उपाय हमने अभी आपको बताए हैं, इन उपाय का असर आप चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि यह उपाय या जो भी आप उपाय हमारे चैनल पर देखते हैं या कहीं भी आप देखते हैं, कोई भी पूज्य पंडित या ब्रह्मा आपको ब्राह्मण आदि को बताता है, तो आप उन उपाय को यदि पूरे विश्वास के साथ करते हैं और उन पे कोई संदेह नहीं करते हैं तभी उनका आपको पूरा असर देखने को मिल सकता है, उनका पूरा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आपको इनका परिणाम प्राप्त नहीं होगा, इनका असर आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। दोस्तों कोई भी उपाय यदि आप नियम से करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। कम से कम दोस्तों एक हफ्ता तो आप यह उपाय जरूर करें और फिर असर देखें, आपको शुरुआती असर देखने को जरूर मिल जाएंगे, ये बात की तो गारंटी है, क्योंकि 90 सेकंड में यह उपाय अपना असर दिखाना शुरू करता है। सुबह किस तरफ से करते हैं तो आपको अच्छी खबरें देखने को मिलती हैं, अच्छी चीजें आपके सामने आने लगती हैं, अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं, किस्मत आपका साथ देने लगती है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती है, रुका हुआ धन आदि मिलने लगता है, रुका हुआ व्यवसाय भी आपका चलने लगता है, नौकरी परेशानी जो आ रही है प्रमोशन आदि की या फिर नौकरी न मिलने की समस्याएं हैं उनके अंदर आपको शुभ समाचार प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जिनसे आप नौकरी के लिए बार बार संपर्क कर रहे थे लेकिन वे आपसे मुंह मोड़ के जा रहे थे और आपका कार्य आपके लिए नहीं कर रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के तुरंत बाद से वे लोग आपका साथ देने लगे हैं, आपके लिए खड़े होने लगे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं और व्यवसाय में आपको जो घाटा लग रहा था या रुका हुआ व्यवसाय था वह आप तो देखेंगे कि आपको वहां से अच्छे और शुभ समाचार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो आप आचमन करके निकलेंगे, यानी कि आप कुछ पानी को अपने मंदिर में किसी तांबे के बर्तन में भर करके रखें, जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी शुभ कार्य के लिए जाएं या फिर लंबी यात्रा के लिए जाएं तो आप उसमें से छोटी सी एक चम्मच से भर करके अपने सीधे हाथ की हथेली पर ले लें और उसे अपने मुख में पी जाएं और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए फिर आप सीधे बाहर की ओर निकल जाएं और अपने कार्य में आगे बढ़े। इससे दोस्तों आपके व्यवसाय में आपको देखने से चमत्कारी रूप से आपको फायदा मिलने लगेगा, व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर कुछ भी हो, आपको फायदे ही फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत, धन्यवाद और कमेंट में लिखते रहे जय बजरंगबली।